नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भाजपा के द्वारा निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा तीसरे दिन रामगढ़ विधानसभा के इंद्रपुर, मालपुर, चिड़वाई, नसवारी इत्यादि आदि गांव में पहुंची। इस दौरान यात्रा को आम जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। तीसरे दिन भाजपा नेता जमकर कांग्रेस सरकार की 4 साल की विफलताओं को दोहराते हुए नजर आए। भाजपा जन आक्रोश यात्रा में प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की विफलताओं को जनता के बीच में ले जाकर उजागर करने का कार्य कर रही है। भाजपा नेता सुखवंत सिंह ने कहा कि भाजपा की ओर से निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा को जनता का समर्थन मिल रहा है। प्रदेश के लोग इस निकम्मी और सरकार से परेशान हो चुके हैं और वो 2023 चुनाव में इनको सबक सिखाने का मन भी बना चुके हैं। कांग्रेस के पिछले 4 साल के शासनकाल में प्रदेश में आपराधिक घटनाओं में लगातार इजाफा हुआ है। लोगों को खाद के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है, गैस पर मिलने वाली सब्सिडी को बंद कर दिया, पेट्रोल आसमान छू रहा है और महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ने के साथ साथ प्रदेश में गुंडों की शरण स्थली बन गया है। दिन दहाड़े लोगों को गोलियों से भून दिया जाता है, लेकिन इस सरकार को लोगों की कोई भी परवाह नहीं है। वह केवल अपनी सरकार को बचाने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने मालाखेड़ा की सभा में किसानों की कर्ज माफी की थी घोषणा, है वो याद है या भूल गए? भाजपा नेता सुखविंदर सिंह ने कहा कि अलवर में ही राहुल गांधी ने 2018 के चुनाव के दौरान ये घोषणा की थी कि हमारी सरकार बन जाने के बाद गिनती के 10 दिन गिन लेना, 10वें दिन किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, लेकिन याद है या नहीं? इस मौके पर रामगढ़ के पूर्व सरपंच व भाजपा नेता एडवोकेट देवेंद्र दत्त, भाजपा नेता जय आहूजा, ओबीसी जिला अध्यक्ष सुदेश खामरा, भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह पाटा, पूर्व जिला पार्षद धीर सिंह गुर्जर, पूर्व उप जिला प्रमुख रमन गुलाटी, ओम प्रकाश चौहान, एडवोकेट भगवान सैनी, गोविंद सैनी, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष रामगढ़ दिनेश चौहान, जिला प्रभारी आईटी सेल, मीडिया, भाजपा इत्यादि कार्यकर्ता मौजूद थे। आज रामगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाले जाने वाली जन आक्रोश यात्रा का तीसरा दिन आज तिलवाड़ गाँव में पहुँचा है। यह मंदिर के प्रांगण में भव्य स्वागत किया गया जन आक्रोश यात्रा का। सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे, हमारे मंडल अध्यक्ष हरि सिंह सहित हमारे संयोजक गोपाल जी, हमारे इंद्रजीत सिंह जी और उसके अलावा गांव के सभी माताओं बहनों सहित बच्चों से सब ने भव्य स्वागत किया और यहां से यात्रा प्रारंभ होकर ईनपुर, नसवारी, मालपुर, खेड़ा, सैदमपुर और न्याणा पहुँचेगी, रात्रि विश्राम करेगी। रास्ते में भी सभी कार्यकर्ताओं ने बड़े जोश और खरोच के साथ मोटरसाइकिल बाइक रैली के साथ स्वागत कर रहे हैं और मैं सभी जनता से आग्रह करता हूं कि आप इसको अधिक से अधिक समर्थन दें, इसके साथ जुड़ें, शिकायत पेटिका में अपनी शिकायतें दर्ज कराएं, मिस कॉल के माध्यम से इस जन आक्रोश यात्रा को समर्थन दें और हमारे नरेंद्र मोदी जी और हमारे शीर्ष नेतृत्व का हाथ मजबूत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व द्वारा ये तय किया गया कि कांग्रेस के जो 4 साल हुए शासन के, गहलोत सरकार के, कांग्रेस सरकार के, उसमें जो गूंगे बहरी सरकार जो जनता के खिलाफ जिसने काम किया, उसको उसके खिलाफ जन आक्रोश है जनता में और उसको जगाने के लिए सरकार में हमारी प्रदेश नेतृत्व ने ये जन आक्रोश यात्रा प्रारंभ की है। इसका रामगढ़ विधानसभा में 3 दिसंबर से प्रारंभ हुआ था। संजय नरूका जी जिलाध्यक्ष द्वारा इसका विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया था। आज दूसरा दिन है। आज सुबह नौगांवा से प्रारंभ होकर हाजीपुर, शेरपुर मंदिर अपने लाल दास बाबा जी के ढोक लगा के रसगंज, सीढ़वा होते हुए चौमा पहुंच रही है। हम चौमा गांव में मौजूद हैं और यहाँ इसके स्वागत में बहुत सारे लोग, अपार भीड़ है। यहाँ के पूर्व सरपंच साहब हैं, सम्मानीय लोग हैं, तो जैसे ही यात्रा आएगी यहाँ पहुँचेगी सभी ये लोग स्वागत के लिए खड़े हैं। तो अभी कैसी आवश्यकता ऐसी क्यों आन पड़ी कि आप यात्रा निकालने के लिए मजबूर हुए? क्या सरकार जो चल रही है, अब तक जो सरकार चल रही है उससे प्रदेश और यह आप संतुष्ट नहीं है? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी कांग्रेस के जो युवराज, जिनको तथाकथित युवराज हैं, वो भी प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं, एंटर कर चुके हैं और उनको अलवर भी आने का आगमन है। उन्होंने चुनाव में वादा किया था कि 110 तक आप गिनती गिनो और आपके कर्जे माफ। अभी हम उनसे पूछेंगे कि 10 की गिनती याद है कि भूल गए, क्योंकि जनता उस चीज़ को याद रखती है। उन्होंने कहा था कि बच्चों को बेरोजगार भत्ता देंगे, बिजली के रेट नहीं बढ़ाएंगे, कोई भी काम नहीं हुआ। सबसे महंगी बिजली और डीजल पेट्रोल पूरे भारत में, राजस्थान में सबसे महंगा है। तो इन चीज़ों को लेकर जनता में आक्रोश है। उस आक्रोश को लेकर हम जनता के बीच में, और जनता का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। हमने उसमें एक शिकायत पेटिका भी रखी है। किसी भी गांव वाले को, कोई सरकार से, किसी जनप्रतिनिधि से कोई शिकायत है तो उसके बारे में आप अवगत कराएं। उस पेटिका में अपना नाम,
मोबाइल नंबर डालकर उसमें आप डालें, उस समस्या के बारे में गहनता से विचार किया जाएगा। एक हमने मिस कॉल नंबर उसमें मोबाइल नंबर दिया गया, उसमें मिस कॉल देनी है 8140-200-200, उसमें मिस कॉल करके इस यात्रा को समर्थन देना है। तो इस तरह से बहुत लोग कनेक्ट हो रहे हैं, उम्मीद से ज़्यादा इसमें समर्थन मिल रहा है। आज ये दूसरा ही दिन है और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी इसमें और जन समर्थन मिलने की संभावना। तो कांग्रेस का मानना ही है कि जो सरकार उनके 4 साल की अभी तक सरकार जो पूरी हुई है, 4 साल की सरकार में उन्होंने बहुत सारे काम कराए हैं, डेवलपमेंट कराए हैं, कार्यालय खोले हैं, लेकिन आप उसका विरोध कर रहे हैं। इसमें सिर्फ आप दूसरी तरह उसको लेके जाएं, अभी गोविंदगढ़ में इन्होंने SDM कार्यालय खोला,